वेलकम टू ख्याति क्लासेज। आज आपके सामने मैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपके सामने बेसिक नॉलेज लेके मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो पर बने रहे और आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 11 नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में। आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से आपको 11 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो आपके सामने मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमितीय। अब आपके सामने फॉर्मूला में बता रहा हूं, तो किस तरह से इसके फॉर्मूले बनते हैं, पहले अपने इसके बारे में बेस को क्लियर करना जरूरी है। बेस अपना क्लियर नहीं होगा तो अपने को कुछ नहीं आएगा। कभी भी अपना घर बनाते हैं तो घर में अपनी नींव को मजबूत करते हैं, नींव मजबूत नहीं होती है तो घर गिर जाता है। तो इसलिए पहले अपने को बेस अपना सुधारना है। तो बेस क्या होता है, किस तरह से सुधारना है, वो आज आपके इस वीडियो में मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो देखें, आइए ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से करते हैं। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपके सामने, यहां चैप्टर होंगे क्लास 10 के 6 और 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखें यहां पे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ट्री का मीनिंग जो होता है वो होता है थ्री। क्या होता है? थ्री, ठीक है। उसके बाद होता है गॉन। गॉन तीन शब्दों से मिलकर बनाए, ट्री और गॉन। गॉन यानी होता है आपका साइड। क्या होता है? साइड। तो मेट्रॉन, मेट्रॉन यानी आपका इसका अर्थ निकलता, जो मीनिंग निकलती है वो मेजर, मापने का काम। तो इसका अर्थ क्या होगा? थ्री साइड मेजर, थ्री साइड मेजर, ठीक है। तो आपके सामने में यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड हैं। इन तीनों साइड का काम किस तरह से किया जाता है तो वो आपके सामने में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां देखें ट्रिग्नोमेट्री, अपने राइट एंगल ट्राइंगल जो अपने मैंने यहां बनाया है उसमें देखें, यहां पे मैंने तीनों साइड ली है। अब यहां पे तीनों साइड क्या है वो आपको मैं यहां सिखाऊंगा। तो देखें, यहां पे मैंने साइड बनाई है, तो ए बी सी बनाई है। तो यहां पे मैंने थीटा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? थीटा लिया हुआ है। और यहां मैं 90 डिग्री लिखा हुआ है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो देखें यहां पे किस तरह से आपको पता लगाना है कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे पहले आपने को यह पता लगाना है, यहां अपना बेस क्लियर करना है। तो किस तरह से करेंगे देखें, तो सब ध्यान रखना है कि एंगल जो होता है, एंगल जहां बनता है अपना थीटा जो लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइड वाला, अपोजिट साइड कौन सी है? 90 डिग्री का जो राइट एंगल बन रहा है वह उसकी अपोजिट साइड है, जिसको अपन कहते हैं अपोजिट साइड। और जिसको अपन कहते हैं यहां पे परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जिसको कहते हैं लंबर, राइट एंगल ट्राइंगल को क्या कहेंगे? 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको अपन कहेंगे लंब, ठीक है। लंब किस तरह से पता लगाएंगे? अपन जहां खड़े और जिस चीज को अपन देख रहे हैं, जैसे अपन ने कुतुब मीनार को देख लिया यहां से खड़े, तो कुतुब मीनार जो अपने देख रहे हैं वो अपना क्या हो जाएगा? वो अपने अपोजिट साइड है, जिसको अपन क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो देखें यहां पर किस तरह से करना है। अब यहां लंब हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां थीटा लिखा हुआ, वही थीटा यहां होता, यहां पे होता, सी की जगह होता, तो इसके अपोजिट वाला क्या यही होता? नहीं, उसके अपोजिट मैंने क्या कहा था? उसके अपोजिट जो भी होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा के अपोजिट जो होगा तो यहां पे क्या हो जाता? लंब हो जाता, या परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। तो यहां पे चेंज होता, मगर अपने को ध्यान रखना है यहां पे अपने पास थीटा अभी नहीं है। अपने पास थीटा कहां है? एक ही जगह पर है, तो इसके अपोजिट वाला जो है वो परपेंडिकुलर आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको पता है कि कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको नींव होनी चाहिए, जो नींव को अपन क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? बेस कहते हैं। बेस यानी आधार। तो यह उसका ए और बी जो है एडजेसेंट जो आपका है साइड, वो आपका क्या है? बेस है। क्या है? बेस है, जिसको अपन क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। अब रही साइड एक, तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट जो साइड है
वह आपकी यह साइड जो होगी वो फिक्स होगी, वो आपकी परमानेंट के लिए हाइपोटेनस ही होगी। हाइपोटेनस क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। जो आप यहां खड़े हैं, जैसे आप यहां खड़े हुए हैं, यहां से आप देख रहे हैं कुतुब मीनार, ये क्या है आपका? कुतुब मीनार बना हुआ है समझो। यहां से आप देख रहे हैं तो आपके अपोजिट साइड जो है वो कौन सी है? परपेंडिकुलर है। और आप जो खड़े हैं वहां पे, ठीक है, तो आपका बेस कौन सा है? आप जहां खड़े हैं वही आपका बेस है, ठीक है। जहां से आप देख रहे हैं कुतुब मीनार को, वहां तक आपकी जो नजर पहुंच रही है वो आपका क्या है? हाइपोटेनस है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो देखें इसके ऊपर किस तरह से फॉर्मूला बनता है, तो मैं आपके सामने मैजिक ट्रिक लेके आता हूं, तो किस तरह से होता है देखें। तो देखें आपके सामने मैं मैजिक ट्रिक लेके आया हूं, तो उसको किस तरह से आपको याद रखना है। तो देखें यहां पे PBP, ठीक है, HHB, इस फॉर्मूले को देखेंगे। यह क्या है सर? ये क्या है आपको पता नहीं होगा ये क्या है, तो इस पे देखें। इसके ऊपर पूरे फॉर्मूला किस तरह से आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। तो इसको याद करने का तरीका है, या तो आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं PBPHHB। नहीं याद होता है आपसे तो मैं आपके सामने अच्छी ट्रिक लेके आया हूं, इसका नाम बनाया मैंने। तो क्या नाम है देखें? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मजा आया होगा आपको सुनने में। तो यहाँ क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा ये। तो अब देखें यहां पे फॉर्मूला किस तरह से, इस ट्रिक के ऊपर मैं किस तरह से फॉर्मूला आपको यहां बनाना सिखाता हूं। तो देखें स्टेप बाय स्टेप, देखें P/H, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है P/H, सेकंड कंडीशन बन रही है B/H, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपके सामने बन रही है P/B, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखें यहां किस तरह से बनेगा P/H, यानी पाकिस्तान है और यहां नीचे हिंदुस्तान है। तो देखें यहां से क्या करना है, इसको क्या कहेंगे, जहां पे P/H होगा उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे sin थीटा। क्या कहेंगे? sin थीटा। क्यों कहेंगे? P यानी हो गया परपेंडिकुलर, H यानी हो गया हाइपोटेनस, तो BC/AC कंडीशन क्या है? BC/AC। तो देखें यहां किस तरह से करना आपको, इसको बोलेंगे अपन sin थीटा। अब सेकंड कंडीशन है B/H। तो B अपने पास क्या है? बेस। H अपना हाइपोटेनस है, तो AB/AC, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे cos थीटा। क्या कहेंगे? cos थीटा। तो बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीका है। अब देखें P/B, P क्या है? परपेंडिकुलर है, B है, तो यहां क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहां हो जाएगा BC/AB, जिसको अपन कहेंगे tan थीटा। तो बिल्कुल आपको यहां समझ में आया होगा। तो देखें नेक्स्ट, यहां तो तीन ही बने और तीन और बनाने हैं, तो किस तरह से बनेंगे वो भी देखें। तो देखें आगे यहां पे अपन ने तीन फॉर्मूले बन गए, तीन फॉर्मूले और किस तरह से बनेंगे। अब यहां पे अपन ने लिया P/H, B/H, P/B। अब यहां पे अपने को उल्टा चलना है, ठीक है। उल्टा चलेंगे तो किस तरह चलेंगे? यहां पे नीचे वाला लेना B/P, क्या लेंगे? B/P, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे H/B, ठीक है। उसके बाद लेंगे H/P, तो क्या लेंगे? H/P, ठीक है। तो यहां पे इसका B/P क्या होगा? H/B क्या है? H/P क्या है? तो देखें यहां पे B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको अपन क्या कहेंगे? तो यहां देखें क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन cot थीटा। क्या कहेंगे यहां पे? cot थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अपने सामने H/B, H/B को अपन क्या बोलेंगे? sec थीटा, ठीक है, sec थीटा। इसको आपको याद करना है, उसको रूटीन में बनाते रहे और रोज रोज इसको दो दो मिनट देखते रहे रोज, आपका दिमाग 5 दिन आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। H/B को अपन क्या कहेंगे? cosec थीटा,
बिल्कुल, ये आपने देखा होगा क्लास 9 में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने देखा होगा, 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखें किस तरह से बनेगा यह फॉर्मूला, जिसने याद कर लिया उसका काम यह हो गया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाना आप सीख लेंगे और आपका क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले पे हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको साइड में इस फॉर्मूले का यूज करो और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें नेक्स्ट जो आपका सामने में ला रहा हूं वो किस तरह से फॉर्मूले हैं वो भी देखें। मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले में और लेके आया हूं, तो देखो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मूले में कितने बनाता हूं देखें। तो यहां मैंने टेन थीटा लिखा हुआ, टेन थीटा लिखा हुआ यानी यहाँ आगे वाली जो डिजिट, यहाँ आगे वाला जो होगा उसको आपको बटा बटी में लिखना है, ओपन में लिखना। तो यहां मैंने लिखा टेन थीटा, टेन थीटा के आगे कौन है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा और बटे में कौन आएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखे मुझे यहां बनाना है फॉर्मूला नया बनेगा, तो यहां देखे साइन थीटा क्या रहेगा साइन थीटा, तो मैं यहां क्या बनाऊंगा फॉर्मूला वो देखे, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। नेक्स्ट देखें आप किस तरह से करेंगे, यहां मैंने ले लिया कॉस थीटा, क्या ले लिया कॉस थीटा, तो देखें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे, तो आगे क्या है कॉट और कॉसेक, तो लिखेंगे कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप अगला देखें फोर और देखें क्या हो जाएगा, यहां पे कॉस ले लिया, अब अपन लेते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या बनेगा आपको पता चल गया कॉसेक अपॉन सेक, क्या बन गया कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखें और बना देते हैं कॉसेक थीटा का बना देते हैं, तो यहां देखें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा देखें तो कॉसेक थीटा लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है सेक अपॉन टेन, क्या लिखना है सेक अपॉन टेन थीटा। अब यहां पे अपन लेंगे कौन सा लेंगे sec थीटा बच गया है, तो sec थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा देखें यहां पे sec थीटा का क्या बनेगा, तो tan upon sin, tan थीटा upon sin थीटा। अब फॉर्मूला बन गया, तो इसको प्रूफ करके देखते हैं क्या ये सही है, तो देखें अपन कोई भी ले लेते हैं, तो अपन ने यहां कौन सा ले लिया, अपन ने लिया tan थीटा upon साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखें टेन थीटा का क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है पी बाय बी, क्या है पी बाय बी, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करना है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है पी बाय एच, पी बाय एच, ठीक है। और नीचे क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है बी बाय एच, बी बाय एच, तो यह डिवाइड में है तो इसको इस तरह से लिखेंगे पी बाय एच डिवाइड v by h, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली डिजिट ऊपर चल जाएगी, ऐसा रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने को पता है यहाँ पे p by h मल्टी h by क्या होगा b, तो यहां देखें इस तरह से आपने समझ लिया होगा, तो h से h कट गया तो बचा कौन p by b, तो प्रूफ हो गया p by b, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो अपन ने प्रूफ करके बता दिया। तो अब देखें ये क्लॉकवाइज था, अब आपको मैं सिखाता हूं एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो अपन ने छह फॉर्मूले ये बनाए, छह अपन ने फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6 छह फॉर्मूले अपन ने ये बनाए, और अपन छह और किस तरह से बनाते हैं वो भी देखें। तो देखें आपके सामने मैं एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से करता हूं, अपन ने पहले इस तरह से घड़ी घुमाई थी, अब अपने को यहां से यूं घड़ी लेके चलनी है। तो देखें यहां मैंने टेन थीटा लिया, तो यहां क्या लिखेंगे वैसे के वैसे ही लिखना है, कोई अंतर नहीं है। टेन थीटा को यहां लिखना है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, क्या लिखा सेक थीटा कोसेक थीटा, अब अपन सेक थीटा ले रहे हैं तो सेक थीटा लेंगे क्या लिखेंगे कोसेक अपॉन कॉट, यहां क्या लिखेंगे कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा लिया तो अपन लिखेंगे कॉट बाय कॉस, कॉट थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा लेंगे तो कॉस बाय साइन, क्या लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा को लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे साइन बाय टेन, साइन थीटा बाय टेन थीटा, साइन थीटा को लिया तो अपन क्या लिखेंगे टेन बाय सेक, टेन थीटा बाय
से। तो ये डायग्राम से आपके कितने फॉर्मूले बन रहे हैं वो देखें। यहाँ छह बंद बना दिए थे, उसके पहले अपन छह बना लिए थे, और यहाँ पे अपन सिक्स और फॉर्मूले आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो यह कोई नहीं सिखाएगा इस तरह से। तो देखें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, ये सर ने बहुत सरल ट्रिक बताई है। तो देखें टेन थीटा, अब इसको अपन प्रूव करके देखते हैं। तो आप देखें आपकी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ले लिया कॉस थीटा को, यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी बाय एच, क्या है बी बाय एच, मुझे यह प्रूव करना है, यह प्रूव करना है। तो देखें साइन थीटा बाय टेन, साइन थीटा अपने क्या पास कितना है p by h upon tan theta, क्या है tan theta p by b, क्या है p by b। तो इसको divide के रूप में किस तरह से लिखेंगे, p by h divide p by b। अब यहां क्या करेंगे, छोटे बच्चों को बताएं, divide को multiply में change करेंगे, reciprocal करेंगे। तो यहां किस तरह से लिखेंगे, p by h multi क्या हो जाएगा b by p। तो p से p कट गया, आपके सामने आंसर आया b by a, जिसको कहते हैं cos theta। तो आपके सामने मैंने प्रूफ करके बता दिया। तो बिल्कुल आपको समझ में आया है, तो इन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और ये पार्ट वन है बेसिक का, और नेक्स्ट आपके सामने भी टेबल आइडेंटिटी टेबल भी आएगी, सब प्रकार के टेबल आपके सामने फॉर्मूले प्रस्तुत करूंगा। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।